हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं एड्स का एचआईवी साइकिल। एड्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें एक वायरस होता है एचआईवी। इसी के साइकिल के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेल पर ये एचआईवी वायरस इफेक्ट करता है और हमारे शरीर को भयानक रोग, जिसको हम कहते हैं एड्स, जैसे रोगों से ग्रसित कराता है। अब हम देखते हैं कि कैसे यह काम करता है। देखिए, यहाँ पर एड्स का ये वायरस, जिसका नाम है रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस उस वायरस को कहा जाता है जिस वायरस के अंतर्गत एक प्रकार के एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी ये जो एचआईवी वायरस है, ग्रुप ऑफ रिट्रोवायरस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार ये साइकिल पूरा करता है। इसमें देखिए कि वायरस, ये देखिए कि वायरस है एचआईवी। इसमें वायरल आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं, बाहर से प्रोटीन है। इसीलिए वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, हमने बना दिया है। अब ये देखिए नॉर्मल सेल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेल है, इसको देखते हैं माइक्रोफाज। ये एनिमल सेल है, माइक्रोफाज एक प्रकार का सेल होता है। अब ये देखिए इन्फेक्शन किया है। अभी जब इन्फेक्शन किया है तो वायरल आरएनए ही अंदर जाएगा, ऐसा नहीं कि संपूर्ण है। हमेशा जब इन्फेक्शन करता है तो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, प्रोटीन की कोट बाहर ही रह जाती है। अब ये देखिए आपका वायरल आरएनए अंदर चला गया। अब ये वायरल आरएनए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरल डीएनए का प्रोडक्शन हो जाता है। वायरल आरएनए से वायरल डीएनए का प्रोडक्शन हो जाता है। अब ये जो वायरल डीएनए बना, ये किसके द्वारा बना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। ये है वायरल आरएनए, ये आरएनए हो गया वायरल, आई हो गया डीएनए, इसको कहते हैं वायरल डीएनए। तो इन्फेक्शन हुआ, आरएनए अंदर जेनेटिक मटेरियल चला आया, अभी जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब डीएनए का प्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये देखिए डीएनए, अब डीएनए जो है ये माइक्रोफाज सेल के अंतर्गत जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसमें इंटर कर देता है। देखिए इंटर कर गया। अब इंटर करने के बाद इसका फिर क्या हो जाता है? रिप्लिकेशन होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हम जिसको कह सकते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने से ढेर सारे वायरल आरएनए का प्रोडक्शन होगा। देखिए न्यू वायरल आरएनए आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये इन्फेक्टेड सेल के द्वारा ढेर सारे नए नए वायरल आरएनए का, ये वायरल आरएनए है, यहाँ पर देखिएगा इन्फेक्शन हुआ आरएनए, इसका आरएनए अंदर गया, फिर आरएनए से क्या हो गया? डीएनए बना। डीएनए किसके द्वारा बना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। अब ये डीएनए इसके जेनेटिक मटेरियल में जाके घुस गया। क्यों घुसा? क्योंकि इसे आरएनए तैयार करना है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। अभी देखिए ऐसे ऐसे ढेर सारे बन गए। अब ये जो आयरन हो गया, न्यू वायरल आरएनए हो गया। अब इससे क्या होगा कि ढेर सारा आपका ये क्या बन गया? न्यू वायरस बन गया, नए नए वायरस बन गए। अब ये जो नया नया वायरस होता है, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर हेल्पर सेल है, ये टी हेल्पर सेल में इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ जो टी हेल्पर सेल है उसको इन्फेक्ट किया। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी इन्फेक्शन को करता है किसी सेल को, तो उससे जो न्यू वायरल एचआईवी तैयार होता है वो पुनः पर क्या करता है कि टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। अब देखिए न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द टी हेल्पर सेल्स, ये नया वायरस टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट किया, क्यों भाई? टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करने से ढेर सारे नए नए प्रोजेनी और वायरस इन्फेक्ट करने से, इसको इन्फेक्ट करने के बाद ढेर सारे नए नए जो है वायरस का प्रोडक्शन हो जाता है, उसके ढेर सारे संतान हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि और दूसरे जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल की संख्या हमारे शरीर में घटती चली जाती है। माने कि टी हेल्पर सेल जितना है, बार बार उसको इन्फेक्ट किया गया, उसको घर बनाया गया, तो वो घर टूट जाता है। टी हेल्पर सेल टूटता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या घटती जा रही है। और देखिए पेशेंट बिकम्स इम्यूनोडिफिशेंट, जिसके कारण पेशेंट जो होता है उसके शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है घट जाती है।
आपको पता है या हम जानते हैं कि जो टी हेल्पर सेल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो टी हेल्पर सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर का एक डिफेंस प्रणाली का एक अंग है, तो उसको बनने नहीं देता है, और धीरे धीरे हमारा टी हेल्पर सेल्स खत्म होता जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है खत्म हो जाता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ये इन्फेक्शन है, ये लाइफ साइकिल है एच आई वी का। देखिए एड्स का जो एच आई वी है उसकी यही लाइफ साइकिल है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके, क्योंकि इसी तरह से स्टेप्स हैं। पिछले बार एग्जाम्स में आपको स्टेप्स आए थे, यानी इन्फेक्शन के बारे में 5 नंबर का आया हुआ था। अब इसमें देखिए नंबरिंग कैसे होता है, हम इसे याद रखिएगा। ये माइक्रोफाज सेल है, आधा नंबर का हो गया। यहाँ देखिए इन्फेक्शन किया तो आधा नंबर हो गया। इसे देखिए मार्किंग कैसे किया जाता है, 5 नंबर है। अब ये देखिए डीएनए बढ़ गया, अब यहाँ पर देखिए हाफ नंबर आपको आ जाएगा, क्योंकि ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है। अब इससे क्या हो गया कि आपको वायरल आरएनए का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ आरएनए से, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए बना। अब ये जो आरएनए बना इससे क्या हो गया, ढेर सारा न्यू वायरल आरएनए हो गया। ये जानते हो इन्फेक्टेड सेल से है। अब ये इन्फेक्टेड सेल से जितने भी तरह के न्यू वायरल आरएनए बनेंगे वो टी हेल्पर सेल को इफेक्ट करेंगे, सेल के बाहर, यानी ये सेल के बाहर जब निकलेंगे तो नए नए जितने भी हेल्पर सेल हैं, तो यहाँ पर आप हाफ दे दीजिए, यहाँ पर भी हाफ दीजिए। अब ये जो टी हेल्पर सेल को प्रोडक्शन कर, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट किया, उसे नए नए प्रोजेनी जो हुआ और भी डेवलप किए, और वो पुनः टी हेल्पर सेल को इफेक्ट किया, तो यहाँ पर हाफ आप दे दीजिए। अब इससे क्या हो जाता है कि टी हेल्पर सेल की संख्या घटती चली जाती है, यहाँ पर दे दीजिए। अब यहाँ पर पेशेंट क्या हो जाएगा, इम्यून डेफिशिएंट। इस तरह से देखिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक और जगह पर है, इस तरीके से इसके 10 नंबर का ये आना चाहिए, 10 नंबर का रहता है, और 5 फ्रैगमेंट्स यानी 10 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, 5 नंबर का रहता है, हाफ ऑफ का मार्किंग होता है, और 5 नंबर को 10 फ्रैगमेंट में तोड़ करके इस प्रकार मार्किंग की जाती है। तो हमने आपको ये सिस्टम बता दिया है, और ये सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एच आई वी वायरस का मैंने बहुत ही छोटा और शॉर्टकट तरीका निकाले हैं, इसको देख लीजिएगा। एक बार फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं, जब कोई भी रिट्रोवायरस जो होता है, जिसे एच आई वी वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है, तो हमारे शरीर के किसी भी सेल में इंटर कर दिया, सबसे पहला काम। अब मान लीजिए कि माइक्रोफाज, माइक्रोफाज हमेशा उपस्थित रहता है, अब इन्फेक्ट किया, तो जैसे इन्फेक्ट करता है उसका आरएनए, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उस रिंग में इंटर कर, इंटर करने के बाद क्या हो जाता है कि डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, वायरल डीएनए हो गया। अब ये वायरल डीएनए जो कन्वर्ट हो गया पुनः जेनेटिक मटेरियल में, जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है उसमें इनकॉर्पोरेट कर गया डीएनए के साथ, ये डीएनए इसका। अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से ढेर सारे आरएनए का प्रोडक्शन, अब ये आरएनए से ढेर सारे वायरल वायरस का प्रोडक्शन, ये न्यू वायरस हो गया। अब ये न्यू वायरस ये सेल से बाहर निकलेंगे, निकलने के बाद क्या होगा कि टी हेल्पर सेल को अफेक्ट करेंगे। अब टी हेल्पर सेल से नए नए प्रोजेनी निकलेंगे, अब वो नए नए प्रोजेनी क्या होंगे, नए टी हेल्पर सेल को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि टी हेल्पर सेल की संख्या घटती चली जाएगी, और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम या वो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होगा और घटता चला जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे करते करते उसकी मौत हो जाएगी। यही नहीं, ये ऐसा रोग है जिसके कारण इम्यून सिस्टम को घटाता चला जाता है, जिसके कारण और भी दूसरे जो रोग्स होते हैं वो हमारे शरीर में इंटर करने का उनको मौका मिल जाता है। जैसे शरीर कमजोर रहेगा तो कोई भी आकर घर बना लेगा, इस तरह के, इसलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको कोई डिजीज नहीं कहा जाता, बल्कि इसको सिंड्रोम कहते हैं। डिजीज का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर से पर्टिकुलर रोग उत्पन्न होता है, लेकिन ये एड्स ऐसा डिजीज है या ऐसा रोग रूप में जाना जाता है, जो सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, कि इस ये इसके चलते और भी बहुत सारे रोग शरीर में, धीरे धीरे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है या शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है, और पेशेंट अंत में डाई कर जाता है, यानी स्लो मोशन में डेथ होती है। तो इस प्रकार हमने इसको कर लिया है, और इसी प्रकार याद रखिएगा, और इसी प्रकार स्टेप लेके एग्जाम में लिखिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। जैसे फिगर बना दिया,
फिगर बनाने के बाद क्या हुआ ना, आपको छोड़ दिया। तो जो सेटर होते हैं इसी प्रकार मार्किंग करते हैं। इस तरह HIV साइकिल हम आपको बताएं, इसको देख लीजिएगा और इसको समझिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।